प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज दे इस वीडियो दे विच असीं जमात सत्तवीं विशा कंप्यूटर साइंस पार्ट पंज एम एस वर्ड भाग तीन पाठ का अभ्यास लैके हाजिर हुए हैं। सो जेकर तुसीं भाग तीन एम एस वर्ड की हरेक टॉपिक की वीडियो नूं चंगी तरह देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिता गया जिसे क्लिक करके तुसीं एम एस वर्ड भाग तीन की पूरी वीडियो वेख सकते हो। तो इस वीडियो राही असीं बहुपसंदी प्रश्न इस पाठ की दोहराई करांगे। सब तो पहला साढ़े को बहुपसंदी प्रश्न, जिससे पहला प्रश्न है तस्वीर को सिलेक्ट करने उपरंत डैश टैब दिखाई देता है और इसके ऑप्शन है फॉरमैट, पेज लेआउट, इनसर्ट या व्यू टैब। सो इसका सही उत्तर है तस्वीर को सिलेक्ट करने उपरंत फॉरमैट टैब नज़र आता है। दूसरा प्रश्न है असं रैप टैक्सट करते हुए डैश ऑप्शन वरत सकते हैं और इसके ऑप्शन है स्क्वेयर, टाइट, बिहाइंड टैक्सट या उपरोक्त सारी। सो इसका सही उत्तर है असं रैप टैक्सट करते हुए उपरोक्त सारे ऑप्शन वरत सकते हैं। तीसरा है तस्वीर के किसी बिलौड़े हिस्से को हटाने लई डैश ऑप्शन की वरतों की जाती है और इसके ऑप्शन है क्रॉप, रोटेट, ग्रुप या कंप्रैस। इसका सही उत्तर है तस्वीर के किसी बेलोड़े हिस्से को हटाने लई क्रॉप ऑप्शन की वरतों की जाती है। चौथा प्रश्न है फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ग्रुप में हेठ लिखियां विचों डैश ऑप्शन मौजूद नहीं होंगी और इसके ऑप्शन है करेक्शन, आर्टिस्टिक इफेक्ट, रिमूव बैकग्राउंड या पिक्चर स्टाइल्स। सो इसका सही उत्तर है फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ग्रुप में हेठ लिखियां विचों पिक्चर स्टाइल ऑप्शन मौजूद नहीं होंगी। पंजवां प्रश्न है असीं अक्षरां दी गिनती नूं विंडो के हेठले पासे डैश बार विच लभ सकते हैं और इसके ऑप्शन है टास्क बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या स्क्रोल बार। सो इसका सही उत्तर है असीं अक्षरां दी गिनती नूं विंडो के हेठले पासे स्टेटस बार विच लभ सकते हैं। अगे हुण असीं इस पाठ के बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न पढ़ांगे जिस विच इसका पहला प्रश्न है किहड़ी ऑप्शन टैक्सट नूं दो या दो तो वध भागां विच वंडदी है और इसका सही उत्तर है कॉलम ऑप्शन टैक्सट नूं दो या दो तो वध भागां विच वंडदी है। दूसरा प्रश्न है किहड़ी पेज ओरिएंटेशन पेज नूं होरिजेंटल या लेटिव दिशा में सैट करती है और इसका सही उत्तर है लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन पेज नूं होरिजेंटल या लेटिव दिशा में सैट करती है। तीसरा प्रश्न है किस ऑप्शन की मदद नाल दो या वध तस्वीर इस तरह इकट्ठियां हो जाती हैं जिवें कि वह एक ही ऑब्जेक्ट होवे। सो इसका सही उत्तर है ग्रुप ऑप्शन की मदद नाल दो या दो तो वध तस्वीर इस तरह इकट्ठियां हो जाती हैं जिवें कि वह एक ही ऑब्जेक्ट होवे। चौथा प्रश्न है एम एस वर्ड की किहड़ी ऑप्शन की वरतों नाल पिक्चर के रंगों नूं बदलिया जा सकता है और इसका सही उत्तर एम एस वर्ड की कलर ऑप्शन की वरतों नाल पिक्चर के रंगों नूं बदलिया जा सकता है। पंजवा प्रश्न है एम एस वर्ड की किहड़ी ऑप्शन की वरतों शब्दों की गिनती करन लई कीती जांदी है और इसका सही उत्तर है एम एस वर्ड की वर्ड काउंट ऑप्शन की वरतों शब्दों की गिनती करन लई कीती जांदी है। अगे हुण असीं इस पाठ दे खाली थावां भरो बारे पढ़ांगे जिस विच पहला प्रश्न है पेज की ओरिएंटेशन डैश किस्मां दी हुंदी है अते इसका सही उत्तर है पेज की ओरिएंटेशन दो किस्मां दी हुंदी है जो कि है पोर्ट्रेट अते लैंडस्केप। दूसरा प्रश्न है डैश नाल संबंधित गलती नूं गलत शब्द हेठां लाल रंग की वेवी लाइन द्वारा दर्शाया जाता है अते इसका सही उत्तर है स्पैलिंग अते ग्रामर नाल संबंधित गलती नूं गलत शब्द हेठां लाल रंग की वेवी लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा प्रश्न है डैश पेज के किनारियां दे आले दुआले पई खाली थां हुंदी है अते सही उत्तर है मार्जन पेज के किनारियां दे आले दुआले पई खाली थां हुंदी है। चौथा प्रश्न है डैश टैक्सट या तस्वीरां हुंदियां हन जो डॉक्यूमेंट टैक्सट के पिछे नज़र आउंदियां हन। सो इसका सही उत्तर है वाटरमार्क टैक्सट या तस्वीरां हुंदियां हन जो टैक्सट डॉक्यूमेंट के पिछे नज़र आउंदियां हन। अगे हुण असीं इस पाठ दे छोटे उत्तर वाले प्रश्न पढ़ांगे जिस विच इसका पहला प्रश्न है मार्जन की हुंदे हन। सो पेज मार्जन पेज के किनारियां दे आले दुआले पई खाली थां हुंदी है असीं टैक्सट अते ग्राफिक्स नूं मार्जन दे विचकार प्रिंट योग खेत्र विच दाखल करदे हां। मार्जन मुख तौर ते चार तरह दे हुंदे हन जिवें कि खब्बा मार्जन, सज्जा मार्जन, उपरला मार्जन अते हेठला मार्जन। असीं अपनी जरूरत अनुसार इन्हां मार्जन नूं बदल भी सकदे हां। दूसरा प्रश्न है कंप्रैस पिक्चर तों तुसीं की समझदे हो। सो कंप्रैस पिक्चर दी ऑप्शन फॉर्मेट टैब विच एडजस्ट ग्रुप विच हुंदी है
इस ऑप्शन की वरतों नाल फाइल का साइज घटाया जा सकता है। एम एस वर्ड में तस्वीरों को कंप्रेस करके रेजोल्यूशन घटा के अते क्रॉप किए खेत्रों को डिलीट करके फाइल का साइज घटाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है रीसैट पिक्चर बारे लिखो। सो किसी तस्वीर को सिलेक्ट करने तो बाद फॉर्मेट टैब नज़र आता है। फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ग्रुप की यह ऑप्शन चुनी हुई तस्वीर की साढ़े वालों की गई फॉरमैटिंग बदलाव को खत्म कर देती है। चौथा प्रश्न क्रॉप ऑप्शन की है। सो क्रॉप ऑप्शन की वरतों करके असी किसी तस्वीर के बेलोड़े भागों को हटा सकते हैं। जो असी किसी तस्वीर को सिलेक्ट करते हाँ फॉर्मेट टैब नज़र आता है उस विच साइज ग्रुप विच क्रॉप कमांड मौजूद होंगी है। पंजवा प्रश्न ओरिएंटेशन तो तुसी की समझते हो। सो ओरिएंटेशन पेज की पोर्ट्रेट भाव खड़वी या लैंडस्केप भाव लेटवी फॉर्मेट निर्धारित करता है। पोर्ट्रेट का मतलब है कि पेज में वर्टिकल या खड़वे पासे सैट किया होया है और लैंडस्केप का मतलब होता है कि पेज में लेटवी दिशा में सैट किया होया है। अगे छेवां प्रश्न है पिक्चर टूल फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ग्रुप में मौजूद वक् वक् ऑप्शन के नाम लिखो। सो पिक्चर टूल फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ग्रुप में मौजूद वक् वक् ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं जिमें कि इस चित्र में दर्शाया गया है, जिस पहला है करैक्शनस, दूसरा कलर, तीसरा आर्टिस्टिक इफेक्ट, चौथा कंप्रेस पिक्चर, पंजवा पिक्चर बदलना, छेवां रीसैट पिक्चर और सतवां बैकग्राउंड हटाना। हूँ असं इस पाठ के वे तरह वाले प्रश्न पढ़ा जिस में जिसका पहला प्रश्न है वाटरमार्क की होंगे है। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क दाखिल करने के स्टैप लिखो। सो वाटरमार्क टैक्सट या तस्वीर होंदिया हैं जो डॉक्यूमेंट में टैक्सट के पिछे नज़र आदि हैं। वर्ड में सानू बने बनाए वाटरमार्क की गैलरी मिलती है या असी नवा वाटरमार्क बना के डॉक्यूमेंट के टैक्सट पिछे सैट कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लगाने के स्टैप कुछ इस प्रकार हैं जिस का पहला पॉइंट है पेज लेआउट टैब से क्लिक करो। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वाटरमार्क ऑप्शन से क्लिक करो। वाटरमार्क गैलरी में जरूरत अनुसार वाटरमार्क की चोन करो। इस तरह के नाल तुसी अपने डॉक्यूमेंट के विच वाटरमार्क लागू कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है एम एस वर्ड की स्पैलिंग और ग्रामर चैक विशेषता उपर नोट लिखो। सो एम एस वर्ड सानू डॉक्यूमेंट विचों स्पैलिंग और ग्रामर नाल संबंधित गलतियां नू चैक करन अते ठीक करन की सुविधा मुहैया करवाता है। स्पैलिंग और ग्रामर चैक करने के स्टैप हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस पहला है रिव्यू टैब से क्लिक करो। स्पैलिंग और ग्रामर कमांड से क्लिक करो। स्पैलिंग और ग्रामर डायल बॉक्स में दिए गए सुझाव अनुसार या अपनी समझ अनुसार गलतियां ठीक करो। उस तो बाद क्लोज बटन उत्ते क्लिक करो। तीसरा प्रश्न है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के स्टैप लिखो। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के स्टैप हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस पहला स्टैप है कीबोर्ड तो कंट्रोल प्लस पी कीज दबाओ। प्रिंट पैन नज़र आएगा। इस विच उन्हां पेजां दी रेंज सिलेक्ट करो जिन्हां नूं तुसीं प्रिंट करना चाहते हो। नंबर ऑफ कॉपीज़ की चोन करो, तुसीं कितनियां कॉपियां कढ़ना चाहते हो। चौथा जरूरत अनुसार होर ऑप्शन की चोन करो। प्रिंट बटन ते क्लिक करो। सो इस तरह नाल असीं अपने डॉक्यूमेंट नूं प्रिंट कर सकते हैं। सो बच्चे मैनूं उम्मीद है कि शुरू तो लैके हुण तक इस वीडियो नूं वेखदे हुए तुसीं इस पाठ की दोहराई कर चुके होवोगे। सो जेकर तुसीं कंप्यूटर साइंस दे नाल संबंधित फ्यूचर विच आने वाली होर भी वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हो तो इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो और इस वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्लो। धन्यवाद।